फाइनली खजियार पहुंच गया मैं, और ये है एंट्रेंस इसका। क्या चार्जेस है भैया पैराग्लाइडिंग का? शॉर्ट राइड रहेगा, हाई राइड रहेगा, 1500 का राइड भी है, 2000 का राइड भी है, उससे 4000 फीट की हाइट रहेगी। उससे सस्ता? सस्ता भी नहीं है सर। कितने लोग जाने वाले हैं आप? एक ही है ना? एक जना है। देख लो, छोटी करनी है बड़ी करनी है? छोटी में, छोटी का 1200 के हिसाब से लग जाएगा सर। 1200 बड़ी है, बड़ी का 1700 के हिसाब से लगा दूंगा आपको। चलना होगा तो अभी लेके जाऊंगा, जस्ट कोई वेट नहीं कराऊंगा, बट लाइफ टाइम एक्सपीरियंस हाइट में रहेगी सर इसकी। वैसे 2 किलोमीटर आपको गाड़ी में लेके जाऊंगा, 5-7 मिनट का ट्रैक रहेगा खाली, और टॉप वाली पहाड़ी से उड़ाऊंगा आपको। वहाँ से उड़ाते हुए लेके जाऊंगा पूरा एरिया घुमाते हुए, चलते चलते जगदम्बा टेम्पल, भोले शंकर की मूर्ति, खजियार गांव, हिमालय पर्वत का व्यू, पीर पंजाल की पहाड़ियाँ पूरी घुमाते हुए 3 किलोमीटर नीचे लैंड कराएगा। वहाँ फिर मेरी गाड़ी जाएगी। अच्छा। अपनी गाड़ियाँ बैठा के वापस आपको यहीं ग्राउंड के अंदर छोड़ के जाएंगे सर, उसके बाद फिर मिलेंगे आपसे। अच्छा, क्योंकि मेन एक्टिविटी है सर पैराग्लाइडिंग का खजियार में। खजियार आके पैराग्लाइडिंग नहीं की तो कुछ नहीं। 1000 में नहीं होगा? समझता हूँ आपकी बात, बट चलो एक बात बोलूँ, वो नहीं घटा है मैं सुबह का, ठीक है, जो 2000 वाली राइड है ना उसको 1500 के हिसाब से लगा दूँगा। मेरे पास उतना नहीं है ना, मेरे को देखिए बजट में करवाना है। मेरी बात सुनो एक मिनट, वो छोटे छोटे बच्चे को उड़ाते हैं ना उधर से, ऊपर से लेके नीचे तक 10 फुट की हाइट पे लेके आएंगे खाली, 500 रुपये तो ग्राउंड के अंदर लेते हैं, हमारा तो खर्चे रहते हैं। यहाँ से गाड़ी जाएगी, गाड़ी का खर्चा हेल्पर जाएगा बैग उठाने के लिए, उसका खर्चा, टेको पर्ची, लैंडिंग पर्ची, लैंडिंग से गाड़ी आएगा छोड़ के जाएगा, यहाँ पे सब खर्चे रहते हैं ना सर जी। नहीं सर, 1000 में नहीं होता। हो जाएगा? नहीं होता सर जी, 1000 में नहीं होता ना। जायज़ जायज़ बता दिया मैंने, 1500 रुपये बता दिए, बिल्कुल जायज़ बता दिया। आप 300-400 रुपये ना देखिए सर, आप फ्लाई देखना, इंजॉय देखना, 3-4000 फीट का हाइट रहेगा पूरा, आपको इंजॉय आएगा पूरा। फिर लैंडिंग छोटी वाली जो 1200 का बता रहे थे, 1200 का वहाँ से उड़ेगा और ऐसे घूमते हुए आएंगे और आगे मंदिर है, मंदिर के पास में लैंड कर जाएगा। अच्छा, ये जो है ये 3 गुना ज़्यादा लंबी फ्लाई रहेगी आपकी। अच्छा, ये चीज़ है, 1200 और 300 का फर्क है सिर्फ 300 रुपये में। और ये बड़ी वाली फ्लाइट कहाँ से आएगी? बड़ी वाली टेक ऑफ हमारा एक ही जगह से रहेगा। अच्छा, लैंडिंग है वहाँ से उड़ेगा, पूरा एरिया घुमाते हुए, इसके बैक साइड पर ना खाली एरिया टोटल, पूरा एरिया घुमाते हुए लेके आएंगे, यहाँ से 3 किलोमीटर नीचे जाके गांव में लैंडिंग रहेगा। अच्छा, और इसका और छोटे वाले का? छोटे वाला का उधर से उड़ेगा और आगे पेड़ों के पीछे मंदिर है माता का, वहाँ पे लैंड कर जाएगा। अच्छा, ये चीज़ रहेगा, फ्लाई में ही फर्क रहता है ना सर, और लंबा राइड रहेगा। 1200 में इसको करवा दीजिए। नहीं सर, 1200 हो जाएगा फाइनल, मैं लास्ट तक सोच रहा हूँ, उसके बाद फिर छोटी करा देता हूँ, कोई बात नहीं। नहीं छोटी, जब ये वाला खर्चे खर्चे बड़े रहते हैं ना इसके बीच में। अब सिंगल है, अब देखिए आपका राइट बात है सर आपकी, आप 300 रुपये ना देखो, घूम के आएंगे, हाई फ्लाई करके आएंगे, उसके बाद आपसे फिर बात करूँगा मैं, फिर आप मजा करना, घूम के आएंगे उसके बाद पेमेंट लूँगा आपसे। सिर्फ 300 रुपये की बात है, बड़ी वाली राइड करा रहा हूँ, 3 गुना ज़्यादा लंबी राइड में आपका। फाइनली 1400 में इन्होंने बोला कि फाइनल आपको मैं पैराग्लाइडिंग करवाऊंगा, जो लंबी वाली है उसकी, जो छोटी वाली है वो थोड़ा और सस्ता है, 1000 तक आप करवा सकते हैं, ग्रुप में आ रहे हैं तो और कम करवा सकते हैं। तो मैंने सोचा पहला एक्सपीरियंस है तो लंबी वाली ही करते हैं, 1400 थोड़ा सा ज़्यादा मुझे लग रहा है, बट स्टिल पहली एक्सपीरियंस के लिए ठीक है। और कैमरा मैं साथ ले जा सकता हूँ, तो आप सभी को मैं दिखा भी सकता हूँ ऊपर का नज़ारा, जो पीर पंजल रेंज है और जो खजियार के ऊपर का एरिया है, आपको पूरी तरीके से मैं दिखा सकता हूँ। तो जिस टैक्सी से मैं आया अभी इस एरिया तक, करीब 4-5 किलोमीटर ऊपर, और फिर वहाँ से कुछ दूर ट्रैक करके ऊपर जाना पड़ेगा, मेरे साथ जो पैराग्लाइडर हैं जो लेकर जाएंगे मुझे, या जो फ्लाइंग करवाएंगे वो हैं साथ में। यहाँ से कुछ ऊपर जाएंगे, वहाँ से फ्लाइंग होती है और उधर ही हम जा रहे हैं। ओवरऑल 40-45 मिनट में आप पैराग्लाइडिंग करके वापस खजियार वाला जो ग्राउंड है वहाँ तक पहुँच जाएंगे। एक अच्छा खासा ट्रैकिंग आपको यहाँ पे भी करना पड़ सकता है, एक बेटर ऑप्शन है ट्रैक करना यहाँ पर भी, मुझे ऐसा लगा। नहीं तो काला टॉप सेंचुरी अगर आप जाएं, या फिर डायन कुंड पिक पे भी आपको इसी तरीके का ट्रैकिंग करना पड़ेगा। तो दो काम एक साथ कर सकते हैं यहाँ पर आकर, ट्रैकिंग भी हो जाएगी, पैराग्लाइडिंग भी, पर बहुत थका देने वाला काम है ट्रैक करना। रिउंड जाना भी मुझे लगता है बहुत थकाने वाला काम होगा, मेरी सांसें अभी फूल रही हैं,
पर ये भाई साहब बड़े आराम से जोश में चल रहे हैं। इनकी एक्चुअली हैबिट होती है और इसलिए शायद पहाड़ी लोग बहुत फिट होते हैं। ज़रा नज़ारा देखिए, ये पहनना होगा। मेरा कैमरा गिर तो नहीं जाएगा ना हाथ से? ऐसा ना मैं उड़ गया, कैमरा रह गया नीचे। इसमें लाइफ जैकेट नहीं होता है भैया। हेलमेट रखाया था सर? हाँ, हेलमेट भी लगाया जाता है भाई, हेलमेट को। तो ये है सेटअप पूरा, इसी में पैरासूट बांधा जाएगा। तो फाइनली इसके बाद मेरा नंबर है, ये भाई साहब जा रहे हैं, उसके बाद मेरा नंबर। तो आप कैमरा हाथ में ही पकड़ के जा सकते हैं, उन्होंने बोला कोई दिक्कत नहीं होगी। थोड़ा सा यहाँ पर दौड़ना पड़ता है, जो आप नीचे देख रहे हैं इस तरफ, ये दौड़ते हुए जाते हैं और फिर ऑटोमेटिक पैराग्लाइड जो है। चलो भैया भागो, चलो भागो 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 भागो। और ये सामने हनुमान जी का मंदिर है। आपको मैं बता दूं, 1992 के पहले इस जगह को लोग उतना जानते नहीं थे, और जो स्विट्ज़रलैंड के वाइस चांसलर थे यानी विली ब्लेज़र उनका नाम था, जिन्होंने जुलाई 1992 में यहाँ पर जो आए थे, और उन्होंने इस जगह को देखा और बोला कि इसका जो टोपोग्राफिकल कंडीशन है वो स्विट्ज़रलैंड से बहुत मिलता है। दुनिया में लगभग 160 ऐसे लोकेशंस हैं
जो स्विट्ज़रलैंड से मैच खाते हैं, और उनमें से ये भी एक है।